हम जैसे आज आपकी क्लास के लिए भाई तो हर मंडे को सीन नहीं होगा। नहीं नहीं एक जो मैम वाली लैब है ना उन्होंने हटा दिया यार सब साइड नहीं हो रही है इस वीक की कोई नहीं हो रही है मैं भी नहीं हो रही है इधर ही मंडे तो को ले लेना जैसे नहीं हो रही इस वीक है हम कैंप को लाभ ही बोलेंगे ओके इसी वीक अरे फिर ठीक है अच्छा जी अच्छा जी अब इधर कॉफी करो जैसे पिछली दफा हम लाहौर अगर गए तो हम लोग कहते हैं कि हम 4 या 5 घंटे में गए तो इस दफा भी हम यही कहते हैं हम 4 ठीक है तो आपको पहले से पता हो कि आपका ये रास्ता इतनी देर का है तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करके बेसिकली निकलोगे ठीक है बाकी रिड्यूस इंसिडेंट क्लियर टाइम ग्रीन हाउस और वो सारी चीजें जो है वो बेसिकली अच्छा जी अब हम आ जाते हैं इसके प्रोजेक्ट के स्कोप पे अगली इस्लामाबाद से लाहौर M2 फिर M3 ठीक है M9 है जो हैदराबाद वाली कराची के ठीक है तो कहने का मतलब ये तो ये सारे नाम होते हैं इसी तरह इसने I-210 जो है वो उसकी बेसिस पे जो है वो बेसिकली उसने जो है वो नाम दिया है अच्छा अब इसकी प्रोजेक्ट को उसने डिफाइन किया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली जो है वो उसका स्कोप क्या होगा देखो अब जो भी आपने हाईवे सिस्टम बनाना है उस हाईवे पहले से कोई सिस्टम चल रहा होगा पहले से कौन सा सिस्टम चल रहा है वो जो है वो इसका कैलिफोर्निया के ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सिस्टम का अपना ओन जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है तो उसे साफ कहा हुआ है कि सिस्टम विल नॉट बी परमिटेड टू कंट्रोल कैलिफोर्निया ओन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डायरेक्टली ठीक है तो अब ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है वो जो पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको बेसिकली वो कह रहे हैं कि उसने कंट्रोल नहीं करना तो पहले से स्कोप डिफाइन कर दिया कि पहले वाले सिस्टम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा ठीक है तो एक तो ये चीज होगी उसके बाद उसने कहा इन सच केसेस द डिजाइन फॉर इंटरेक्शंस विद दीस न्यू सिस्टम विल नीड टू कंसीडर हाउ सिस्टम ऑपरेटर्स मे इफेक्टिवली कम्युनिकेट द डिजायर्ड कंट्रोल इंटरवेंशन टू द वेरियस टारगेटेड सिस्टम ठीक है तो इनके दरमियान एक इंटरफेस आपको बनाना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ आपके इस नए सिस्टम का क्या इंटरफेस बेसिकली बनेगा ठीक है तो ये उसने पहले से डिफाइन कर दिया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इसका कोई ताल्लुक ऐसे नहीं है अच्छा अब हम आ जाते हैं बेसिकली एग्जेक्टिव समरी की तरफ तो इसके जरिए वो बेसिकली ये बताएगा कि जो है वो ये वाला जो सिस्टम अब लगने जा रहा है जिस कॉरिडोर पे वो कॉरिडोर कहाँ पे है वो जो है वो लॉस एंजेलिस काउंटी के अंदर सैन गैब्रियल वैली के अंदर बेसिकली ये सिस्टम अब जो है वो लगेगा एक तो ये चीज हो गई ये एग्जेक्टिव समरी वही है जो आप अपने फाइनल प्रोजेक्ट के थीसिस में एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो ना उसकी जगह एग्जेक्टिव समरी रिपोर्ट में एग्जिस्टिंग जो है वो एग्जेक्टिव समरी लगती है और जो आपकी थीसिस होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट लगता है ठीक है तो ये बेसिकली वही जो है वो चीज है तो इससे ये बेसिकली ये कहा है कि इसके जरिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाओगे जो कि मीडिया स्टेक होल्डर्स के जरिए आप कॉरिडोर के ऑपरेशन को इम्प्रूव करोगे ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स ठीक है और ये जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओवरऑल अप्रोच और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और रिलेवेंट प्रोसेसेस को देखने के लिए जो है वो बेसिकली बनाया जाता है ये जो है वो I-210 के वो जो कॉरिडोर है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से जाके ये जो सारा जो पिंक लाइन है जो यहाँ से यूं जा रही है उसके बाद यहाँ से यूं जा रही है और यहाँ से यूं जाके यहाँ पे जाके I-210 आपका जो कॉरिडोर है वो बेसिकली खत्म हो जाएगा ये इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे हमारी इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे के आप वहां से इस्लामाबाद को उधर से आप इस्लामाबाद को स्टार्ट करो और इस कॉरिडोर को मूव कराते हुए यहाँ पे आप जो है लाहौर पर जाके उसको एंड कर दो तो ये एग्जेक्टिव समरी का पार्ट है उसने मैप पे दिखाया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ जो है वो डिप्लॉय होने जा रहा है
अच्छा अब जो है वो उससे बेसिकली इसमें जो है वो बैकग्राउंड बताया गया कि $30 million की जो है वो इसमें इससे फंडिंग जो है वो मिल गई है और इस फंडिंग के जरिए जो है वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को वो इनिशिएट करने बेसिकली जा रहे हैं। अब आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स। अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट जो है जैसे समरी डिफाइन कर दी, बैकग्राउंड बता दिया कौन ऑप्शन पहले चैप्टर में, अब जो है वो आपने स्टेक होल्डर डिफाइन करने हैं। इन लाइंस को पढ़ के मुझे बताओ कि इससे क्या समझ आ रही है, स्टेक होल्डर कौन कौन से लोग होते हैं। एजेंसीज वाले होते हैं वो लोग होते हैं जिनका सिस्टम ऑपरेशन से डायरेक्ट इंटरेस्ट हो, और इस केस में I-210 के अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। NHS हो गया, ये देखो ये सारे जो है वो कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल सिटी जिन जिन सिटीज पे वो गुजर रहे हैं उन सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है। तो हमारे केस में अगर इस्लामाबाद से लाहौर मोटर पे करोगे तो सारी जो बीच में सिटी आएंगे गुजरात लाला मूसा चकवाल ठीक है गुजरावाला गुजरात वो सारे जो है वो स्टेक होल्डर इसमें जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे ठीक है। लॉस एंजलिस जो है वो फ्रीवे इमरजेंसीज पब्लिक वर्क वो सारी जो है डिपार्टमेंट जो सारी है US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो वो सारे इदारे जो भी इन्वॉल्व होंगे वो सारे इसमें स्टेक होल्डर हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेसिकली कोई ना कोई जो है वो ताल्लुक है। अच्छा अब इन कॉन ऑफ्स के जरिए जो है वो आप जो है वो ये देखोगे कि अब इस कॉन ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास जो है वो कौन कौन से जो है वो कॉन्टेंट्स जो है वो बेसिकली आएंगे तो इसके जरिए जो है वो अब आप ये बताओगे कि ओवरव्यू इस क्वार्टर का क्या है उसमें कौन सा इलाका किसकी ज्यूरिडिक्शन में आता है। जिस तरह मैंने कहा कि बीच में जो शहरों की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी एक पार्टिसिपेशन है कि जिस तरह गुजरात शहर की एडमिनिस्ट्रेशन है गुजरावाला की है या डिफरेंट सिटीज की है वो आप बताओगे। फिर इसके अर्गिर्द कौन कौन सी जो है वो लैंड मौजूद है एग्जिस्टिंग जो सेटअप है वो क्या है और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इसमें क्या है लाइक मोटरवे पर आपके पास जो है वो बाइक्स भी चल रही हैं हैवी बाइक्स भी चल रही हैं और गाड़ियां भी चल रही हैं ऐसे ही है मोटरवे बाइक देखिए क्योंकि मोटरवे पे क्यों क्योंकि वो मोटरवे पे जो है वो बाइक्स को इसलिए अलाउ नहीं किया गया क्योंकि मोटरवे पर स्पीड क्या है 120 ठीक है लाइट ट्रैफिक व्हीकल जो हैवी थी 100 ठीक है 110 या 100 तो अब जो है वो इसलिए जो है वो बाइक उधर अलाउ ही नहीं है क्योंकि उधर एक्सीडेंट्स का चांस है ठीक है। तो कह रहे हैं मुझसे ये कि आपको पता होगा कि आपके इस रोड पे कौन कौन सी ट्रैफिक ने जो है वो इसमें जो है वो ट्रैवल करना है तो फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर फिर हम ये देखेंगे कि एक तो जस्टिफिकेशन इस प्रोजेक्ट की फिर इस प्रोजेक्ट का विजन क्या है गोल्स क्या है ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फिर इस पूरे सिस्टम की जो है वो एक डिस्क्रिप्शन हम देंगे कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। यूजर नीड्स का एक अलग चैप्टर होगा जिसमें आप बताओगे कि यूजर ने हमें जो है वो ये नीड्स हैं जो कि हमने जो है वो इसको फुलफिल करना है और फिर उसके बाद आप सजेस्टेड स्ट्रेटजीज बताओगे कि ये स्ट्रेटजीज के जरिए उसकी ये सारी जो यूजर की नीड्स हैं वो बेसिकली फुलफिल होंगे। अच्छा अब जो ऑपरेशनल अप्रोच है जिसमें हमने ये कह दिया था कि हमारा जो है वो फोकस बेसिकली इस पे ये है कि हमने कंजेशन को रिड्यूस करना है और मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है ठीक है। तो जो बेसिक ऑपरेशनल अप्रोच है वो ये कि मोबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, मोबिलिटी इसलिए बेहतर होगी जब हादसा कम से कम हो और जो कंजेशन है वो भी उस पर कम होगी जब हादसा कम से कम हो तो इसमें हमने हादसा को बेसिकली रोकना है। तो पहला इसमें जो काम है वो ऑपरेशनल अप्रोच क्या है वो पढ़ने को बता दे कि क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है जितनी बड़ी रोड हो आपने उन सारी लोकेशंस को कवर करना है और उन लोकेशंस पे कवर करके कोई लोकेशन कोई ब्लाइंड स्पॉट ना रहे जिस ब्लाइंड स्पॉट में हादसा हो और आपको पता ना चले और दूसरा सेवेरिटी ये कैसे पता लगेगी आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड सेवेरिटी ऑफ सिग्निफिकेंट कॉरिडोर हाई डेफिनेशन कैमरा से ठीक है। अगर आप एक सेंसर लगा दोगे जिससे आपको ये पता लग गया कि गाड़ी रुक गई है उससे आपको सेवेरिटी नहीं पता लगी। अब यहाँ पे आपके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा कि आपको ये पता लगा होगा कि अच्छा आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप एक सोनार सेंसर लगा दो कि वो जी रोड के दोनों तरफ सेंसर लगे हों
गाड़ी पास थ्रू हो जाए और सेंसर की रीडिंग, जब गाड़ी पास हो तो सेंसर बंद है और जब गाड़ी गुजर जाए दोनों सेंसर आपस में एक दूसरे की उसकी रीडिंग तो वो जीरो हो जाए, तो गाड़ी गुजर गई तो इसका मतलब है कि दोनों ने जीरो देना शुरू कर दिया तो गाड़ी गुजर गई। लेकिन अगर गाड़ी सामने आ गई और नहीं गुजरी, इसमें एक्सीडेंट हो गया, तो वो सेंसर आपको दे देगा कि इस जगह पे ये जो सेंसर है ये बंद दे रहा है, इसका मतलब इधर एक्सीडेंट हो गया। लेकिन क्या उसे सेवरिटी का पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो अब सेवरिटी के लिए आपको उधर कैमरा इंस्टॉल करने पड़ेंगे कि आपके पास पूरी हाईवे पे ऐसे कैमराज हो जहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट ना हो और आपको उन कैमराज को देखकर आपको सेवरिटी का पता लग जाए। जिस तरह अभी पिछले दो तीन दिन पहले कलर नार पे एक हादसा हुआ था जिसपे सबको सुना है, सबने देखा सुना होगा कि वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो एक डेढ़ घंटे ब्लॉक रही है, वो बारिश की वजह से कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो हिट हुई थी, तो वो सवेर एक एक्सीडेंट था। फिर एस्टिमेट द न्यू फ्यूचर इंपैक्ट ऑफ इंसिडेंट ऑन कंट्रोल ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है सर? उसके इम्पैक्ट सर क्या पड़ सकते हैं आगे आगे सर? आप जैसा मैंने कहा कि कल रात में शाम 5 बजे हादसा होगा, 7 बजे तक पूरे ट्रैफिक की लाइनें लगी हुई हैं, तो अगले 2 घंटे में अगर आपके पास मेलिनर सिस्टम होता तो आप पहले से बता देते कि जो ट्रैफिक पीछे लाहौर से आ रही है कहीं से भी आ रही है उसको बता देते हैं कि कल रात में हादसा हो गया, तो आप जो है वो ऑल्टरनेटिव टोल प्लाजा के जरिए जीटी रोड पे मूव ऑन करें ना कि आप आए। तो ये जनरल है कि आपके पास अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसका नियर फ्यूचर इंपैक्ट लोगों को बता दिया जाए कि लोग किस तरह जो है वो डाइवर्ट। साइन बोर्ड लगा के कर सकते हैं आपके पास। देखो जब भी गाड़ी एम टैग आ गया ना, जब एम टैग आ गया है तो एम टैग के से गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी के ओनर का नंबर भी उसमें इंक्लूड है, गाड़ी का नंबर भी है, तो जैसे ही एम टैग आ गया तो आपको पता लग गया कि ये गाड़ी जो है वो अब मोटरवे पे चढ़ गई। अब जब तक वो उतरती नहीं है तब तक वो एम टैग दोबारा पंच नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आप उस टाइम जितने लोगों की गाड़ियां रनिंग में हैं उनको आप एक मैसेज जस्ट कन्वे कर सकते हो, ये एक सोल्यूशन है कहने का मतलब। तो इस तरह के बेताशा सोल्यूशन आप इस नीड के जरिए फुलफिल कर सकते हो। तीसरा, हाँ जी, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे? मसलन गाड़ी को आग आती है तो फायर सर्विस चाहिए, अगर रेस्क्यू करनी है तो रेस्क्यू 112 को बुलाना है, अगर ज्यादा है तो ईडी को बुलाना है, बहुत ज्यादा एम्बुलेंसेस चाहिए तो ठीक है पुलिस को बुलाना है, वो सारे जो हादसा आते हैं वो आपने। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? आगे अब अगर वो एक इंटरचेंज से उतरते हैं और आगे वो ट्रैफिक सिग्नल उन्हें मिल जाता है जीटी रोड पे और वो लाइनें लग जाती हैं जो लाइनें मोटरवे पे आ रही हैं, तो उस ट्रैफिक सिग्नल को आपने कैसे जो है वो कंट्रोल? अब ये ट्रैफिक सिग्नल जो मैं पहले बात की थी कि ट्रैफिक सिग्नल उस सिटी का वो इससे कंट्रोल नहीं होगा सिस्टम से, तो आपको सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी कि इस ट्रैफिक सिग्नल को ज़्यादा देर के लिए खोला जाए और मैनुअल कर दें कि जी हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं इस तरफ क्योंकि हमारी मोटरवे पर आगे हादसा हो गया। ठीक है, तो ये यूसी की ये इस तरह जो है पूरा सिस्टम बनता है। यही इसको गौर सुनने की जरूरत है कि इस हफ्ते में आपको ग्रुप भी मिल जाएंगे और आपके प्रोजेक्ट का टाइटल भी मिल जाएगा जो आपने करना है, उसका जो है वो आपने जो है वो ये 4th वीक है, अगले 2 हफ्ते में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन डॉक्यूमेंट बनाना होगा और 7th वीक में आपको उसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी जिसका आपकी असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 मार्क हो जाएगी। तो इस वीक में आपको ग्रुप और आपके जो है वो मिल जाएगा कि आपने किस प्रोजेक्ट पे जो है वो काम करना है, उसका कौन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे लिखना है। अच्छा जी, अगला जो मैंने अभी आपको बात की कि जिस तरह से बंदा चढ़ा है M2 पे और उसका आपके मोबाइल नंबर आ गया तो आप उसको आगे कर दो कि भाई आगे एक्सीडेंट हो गया तो आप जो है वो अल्टरनेट पाथ ले लो। सर ये सेम ही पॉइंट्स बार-बार मतलब वो ठीक है, वो कोई मसला नहीं, वो एम्फसाइज करने की जरूरत है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। सर अब जिस तरह हम ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, मैं इस पॉइंट्स को रटे लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये मैं इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं कि जब आप अपना सिस्टम भी बनाओगे तो यही अप्रोचेस आपने उसमें भी लगानी है। ये सर
मतलब हमारा सारा काम सिनेरियो बेस होगा और अपने आइडियाज देने के संग का ये नहीं क्या जो प्रोजेक्ट में दिया गया है उस प्रोजेक्ट आप मुझे सपोज मैं कह देता हूं यार तुमने जो फिफ्थ जनरेशन ये क्राफ्ट बनाना है सपोज फाइनल तो उसमें आप स्टेक होल्डर उसमें कौन है पाकिस्तान एयर फोर्स है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसी तरह मैं कोई और प्रोजेक्ट दे देता हूँ कि आपने इलेक्ट्रिक बस बनानी है इलेक्ट्रिक बस में स्टेक होल्डर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है ठीक है उसके बाद रेलिवेंट स्टेक होल्डर में कौन है यूजर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होगा उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपको लाइसेंस कौन करे देगा वो होगा फिर कौन से इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि इसकी सर्टिफिकेशन या इसकी इंस्पेक्शन करेंगे वो पुलिस एक इदारा होगा ट्रैफिक पुलिस एक्साइज वाले भी होंगे क्योंकि उसमें तो वो सारे इदारे तो हर एक ने अपने प्रोजेक्ट का एंड यूजर स्टेक होल्डर अलग से आइडेंटिफाई किया फिर उसने उसकी ऑपरेशनल अप्रोच खुद से डिफाइन करनी है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं ये तो एज अ केस स्टडी बनाने का मकसद दिया था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने उसको कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करना है अच्छा अच्छा उसके बाद कुछ और गेम्स हैं एनहांसमेंट इन ट्रैफिकिंग एंड ट्रैफिक एंड ट्रैवल मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज इससे क्या मतलब है जो की लास्ट लॉन्ग डिस्टेंस तक और कोई बंदा मर गया है या ज्यादा जख्मी हो गया ताकि वो रैपिड एक्शन कर सके अच्छा जी ये इस पॉइंट का क्या मतलब है जानिए मैं सिर्फ उर्दू में लिखूंगा आपने वो काम है चलो
कॉमन में लिखे पढ़ाया किस में जा रहे हैं जिस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है उस लेवल पे जा रहे हैं अगर कहते हो तो मैं लेक्चर भी टोटल इंग्लिश में शुरू कर दे ये प्रश्न में लिखे मैं लेक्चर इंग्लिश में शुरू कर देता हूं वो सबसे बेस्ट अप्रोच है ताकि सबको समझ आ जाए चलिए प्रश्नों में लिखे थे हैं प्रश्नों में लिखे थे नहीं
प्रोडक्टिव डे किसकी बात हो रही है? उस कॉरिडोर की, ठीक है। तो जो है वो बेसिकली जो है वो वहां पे फ्लो रेट जो है वो कम से कम है। बॉटल नेक्स के बॉटल नेक्स ये कहीं पे हो सकता है आपकी मोटरवे छोटी हो, जिस तरह आप ये जाओ हजारा मोटरवे पे जाओ वो दो दो लेन की है, ठीक है। तो उधर आपको पता है कि बॉटल नेक है, तो उस बॉटल नेक को आपने कैसे जो है वो करना है, हजारा मोटरवे के जरिए आप जो है वो इस्लामाबाद से लोग जो है वो मानसेरा एबटाबाद, मानसेरा तो आ गया एबटाबाद मानसेरा नारायण भगवान, ये वो मोटरवे है जो सीधा ऑल द वे टू गिलगित बन रही है, ठीक है। तो वहाँ पे दो दो लेन का जो है आपको पता है कि वहाँ पे सर्दियों में जो है वो कम रश होता है क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज बंद हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। तो उसके लिए आपने कैसे जो है वो इसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है। फिर मोबिलिटी प्रोडक्टिविटी मिशन, अच्छा अब जो आपके पास कॉर्न ऑफ के प्राइमरी फंक्शन होंगे वो बेसिकली ये होंगे। तो आपने उस सिस्टम का रैशनल बताना है कि ये सिस्टम बनाने का हमारा मकसद क्या था, ठीक है। उसके विजन गोल ऑब्जेक्टिव बताने हैं, सारे ऑपरेशनल सिनेरियो बताने हैं कि ये होगा तो मेरा सिस्टम ये करेगा, ये होगा तो मेरा सिस्टम ये करेगा, छोटा अच्छा होगा तो ये होगा, बड़ा अच्छा होगा तो ये होगा, आग लग जाएगी किसी गाड़ी को तो मैंने क्या करना है, सारे ऑपरेशन सिनेरियो आप उसमें कॉर्न ऑफ में बता दोगे। ये देखोगे कि सारे स्टेक होल्डर की नीड और एक्सपेक्टेशन जो है वो मीट हो रही है, किसी की कोई नीड या एक्सपेक्टेशन जो है वो इग्नोर नहीं हुई, और सारे जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी मिशन गोल ऑब्जेक्टिव से, और फिर ट्रेसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस। ट्रेसिबिलिटी में ये कि मैंने सर कहा कि यूजर ने आपको कहा जी के या हुकूमत ने आपको प्रोजेक्ट दिया और आपको कहा जी के इसकी जो है वो रिलायबिलिटी इंप्रूव करनी है, अब ये एक नीड है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के हो सकते हैं आगे 100 रिक्वायरमेंट बन जाए कि जी इंसिडेंट के अंदर अगर इंसिडेंट हो जाए तो रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 10 सेकंड होना चाहिए, छोटा अच्छा हो तो रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 50 सेकंड होना चाहिए, या एक मिनट के अंदर जो है वो गाड़ी पहुंच जाए, ठीक है, या कोई जो है वो गाड़ी को आग लग जाए तो जो है वहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम इतना होना चाहिए। तो ये एक नीड के अगेंस्ट बेताशा रिक्वायरमेंट्स है, तो उस नीड के अगेंस्ट जो सारी रिक्वायरमेंट्स है उसको ट्रेस करना कि अच्छा ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तो ये मेरी नीड पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो ट्रेसिबिलिटी होती है। तो कौन ऑफ के अंदर आप बेसिकली जो है वो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, आपको इनपुट क्या दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट के गोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिकमेंडेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है और फिजिबिलिटी क्या है। आप इसका कंस्ट्रेंट देखोगे कि प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, सिस्टम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्लान क्या है, स्टेक होल्डर कितना इन्वॉल्व होगा, प्रोक्योरमेंट के आपके पास क्या चैलेंजेस हैं, जो चीज़ें आपने लेनी है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, और उसके बाद कॉन ऑफ के अंदर ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए आप एक कॉन ऑफ और वैलिडेशन स्ट्रेटेजी प्लान बना लोगे कि इसके जरिए आप बता दोगे मेरा सिस्टम ये बेसिकली जो है वो काम करेगा। तो आपने वो सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करना है, ठीक है, और जो सिस्टम ट्रेडिशनल चल रहे हैं उनके कोऑर्डिनेशन के जरिए जो है वो मैनेज करना है मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स पर्संस एंड गुड्स विद इन द बेसिकली कॉरिडोर। अच्छा हाई लेवल डिस्क्रिप्शन इसमें आप लिखोगे, मैंने इसका कहा था कि आप ये तो बता दोगे कि इस कंट्रोलर के जरिए मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, लेकिन अभी ये बताने की जरूरत नहीं है कौन सा कंट्रोलर यूज करोगे, रास्पबेरी पाई यूज होगा, आर्डिनो यूज होगा, पिक यूज होगा, एटमेल यूज होगा, क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। अभी जैसा आप ऊपर बता दो कि मेरा ब्लॉक डायग्राम लेवल पे कि ये कंट्रोलर होगा वो ये सेंसर के थ्रू ये बेसिकली जो है वो काम करेगा। उसके बाद जो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपने पूछने हैं इस सिस्टम के थ्रू, बस ये आपने पूछ रहे थे इस सिस्टम के गोल और ऑब्जेक्टिव क्या हैं। अब कौन उसको आपने इन क्वेश्चन के जरिए एड्रेस करना है, मैं भी जब आपसे प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं भी इन क्वेश्चंस के जरिए आपसे पूछूंगा कि क्या आपने उसमें गोल और ऑब्जेक्टिव सिस्टम की डिफाइन की है, क्या आपने ये बताया कि किस तरीके से सिस्टम अपने सारे गोल्स अचीव करेगा, क्या आपने बताया कि कॉरिडोर की परफॉर्मेंस को आप कैसे एक्चुअल में कैप्चर कर रहे हो या मेजर कर रहे हो, क्या आपने ये बताया कि इस प्रपोज सिस्टम के जरिए उस कॉरिडोर का ऑपरेशन कैसे एनहांस होगा, एक एग्रेसिव चीज है ना उसका ऑपरेशन कैसे बेहतर होगा, ठीक है, क्या नई फंक्शनलिटीज आपका सिस्टम लेकर आ रहा है, सिस्टम की यूजर्स कौन है, ठीक है, फिर स्टेक होल्डर्स कौन है, स्टेक होल्डर के स्पेसिफिक रोल्स क्या हैं, ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट कहाँ पे है जहाँ पे ये सिस्टम ने ऑपरेट बेसिकली करना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे इसमें। फिर मेन सिस्टम कंपोनेंट्स की फंक्शनलिटीज क्या हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके जरिए आपको इस जो है वो सिचुएशन या रिक्वेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, कौन से रिसोर्सेज चाहिए आपको इसको डिजाइन बिल्ड ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए, और कौन से ऑपरेशनल टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स हैं जो कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह मैं सपोज आपको कहा कि आपने फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया है पाकिस्तान का,
तो आपको जो है वो उससे जो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स से सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो वो एक अच्छी कंसर्न है। उसके बाद आपको हो सकता है कुछ और इदारों की हेल्प जो है वो आपको चाहिए। तो इसके जरिए जो है वो आपने इसको ध्यान में रखना है कि आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको जो है वो यूजर नीड, सिस्टम रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और कंस्ट्रेंटिंग एलिमेंट्स का सब का अदा करते हुए आपने टेक्निकल सॉल्यूशन इसमें जो है वो प्रपोज करते हैं। ठीक है, तो अब कल से जो है हम कॉर्न ऑप्स की बेसिक हेडिंग्स और चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर जो है वो आपको ग्रुप में असाइनमेंट भी दे दी जाएगी। यहाँ तक आज के लेक्चर तक किसी को क्लियर है?